हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मज़ेदार पकवान। मैं हूं नुसरत और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार चटपटी भिंडी। ये देखिए, ये ऑयल पैन में ऑयल गरम कीजिए। इसमें एक ये अनियन काट ली हूं मैंने। इसे मैं सॉटे कर रही हूं। जब ये हल्का गुलाबी हो जाएगा तब मैं इसमें ये भिंडी ऐड कर दूँगी, लेडी फिंगर। इसे थोड़ा सा मैं चला लूँगी। इस तरीके से पकाने से जो इसका लस होता है वो एकदम सेट हो जाता है, पक जाता है वो। ये देखिए इस तरीके से। एक्चुअली मैं इसे पहले धोती हूँ जब भिंडी को, लेडी फिंगर को, तो मैं इसका जो पानी होता है उसे सूख जाने देती हूँ। उसे स्ट्रेनर में रखती हूँ मैं थोड़ी देर, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाए। इसमें देखिए, ये मैं एक आधा नींबू रस निचोड़ रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ 1/4 किलो भिंडी है तो इसके लिए मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। आधा नींबू का रस डाल के मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें हम बाकी के और भी मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं इसमें, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनता है। ये रेड चिली पाउडर हम इसमें डाल देंगे। आप इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, कम मसालों के साथ में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने टर्मेरिक पाउडर ऐड कर दी हूँ, हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और मैं इसमें एक टमाटो ऐड कर लूँगी। इसे थोड़ा चला लेंगे हम इस तरीके से, ताकि मसाले मिक्स हो जाए। बड़ी चटपटी बनती है ये भिंडी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सिंपल तरीके से इसे कम मसालों के साथ हम पका रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। मैं इसमें देखिए एक टमाटर मैंने डाल दी हूँ। अब हम इसे मिक्स करके और इसे ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। ये हमारी चटपटी करारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए, मैं इसे ढक के पका लूँगी और ये हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका ये देखिए कितनी अच्छी ये पकी है देखिए। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय, टेक केयर।